वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आदित्य राज और ये है मेरे गेमिंग चैनल आदित्य गेमिंग। गाइस आज की वीडियो देखना मत भूलना, इसमें बहुत ही चीज खतरनाक चीज हुआ है मेरे साथ। मैं कम से कम 5 से 6 बार मरा हूँ माइनिंग के टाइम में। और हाँ गाइस, माइनिंग से बता दूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक भी माइनिंग ही है। आज मैंने ढेर सारी माइनिंग की और वैसे तो माइनिंग में बहुत कम सामान मिला है, उल्टा मेरे और जो भी मेरे पास सामान पहले से था वो भी गायब हो गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आज के दिन जो भी मतलब मैं बोलूँगा वो थोड़ा अजीब होगा, इसलिए मैं सोचा कि आज मैं कम ही बोलूँ। तो इस वीडियो में मैंने अपनी वॉइस बहुत कम ली है, मैंने बिना आवाज़ के ही खेला है इसको। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ मैं बीमार होकर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे को। तो थैंक यू सो मच गाइज, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मुझे बनाना है एक घर, लेकिन उसके लिए मेरे पास कुछ सामान नहीं है। तो आज घर बनाना तो बेवकूफ़ी होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर घर बनाना है तो मुझे उसके लिए पहले तो सामान इकट्ठा करना है। तो आज घर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग चलते हैं माइनिंग पे, क्योंकि अगर हम लोग माइनिंग पे जाते हैं तो सामान भी हम लोग के पास आ जाएगा और ओर्स वगैरह ये सब भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो वाह, बहुत सारा सामान है मेरे पास, अच्छी घंटा, पहले मुझे सामान चाहिए होगा। चलो माइनिंग के लिए सामान बनाते हैं। अरे सबसे पहले तो एक पिकेक्स बनाना होगा। चलो पहले इसे ही तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे पास में मैंने आयरन गोलम से आयरन नहीं कलेक्ट करूँगा। आज मेरे को थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो भाई शाम हो चुका है, तो मैं पहले विलेज में जाके सो लेता हूँ और फिर सुबह जाता हूँ माइनिंग पे। माइनिंग हम यहीं पे करने वाले हैं अभी तो फिलहाल। एक घर हो, इसमें तो आर्मर है और एक सैडल भी। अरे यार लेकिन यहाँ पे बेड नहीं है, क्या करूँ। चलो जल्दी जल्दी भागो। तो गाइस सुबह मिलते हो। अरे तो गाइस चलो बेड वगैरह भी बना लूँ, क्योंकि
माइनिंग पे जा रहा हूँ, खतरा तो रहेगा ही मरने का, क्योंकि इसमें मैं उतना भी मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ खेलने में कि मैं बिना मरे माइन कर लूँ और वगैरह वगैरह सारा काम बिना माइन किए, सॉरी बिना मरे कर लूँ। इसमें तो मैं बहुत बार मरने वाला हूँ। बेड भी एक बन गया। अब मुझे चाहिए टॉर्च, क्योंकि अंधेरे में मैं काम नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे कोल ढूंढना होगा। कोल है क्या? अरे भाई यहाँ तो लावा भी है। हाँ कोल भी। चलो पहले टॉर्च बनाता आता हूँ। आई नो आज मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा आज बहुत ही गला खराब है, इसलिए आवाज भी नहीं सुनाई देगा इतना, कितना भी कस के बोल। बट फिर भी अरे यार ट्राई तो कर ही सकता हूँ। सो गाइस पहले टॉर्च बनाते हैं और फिर चलते हैं माइनिंग पे। 8 टॉर्चेस हैं, इनफ है अभी। सो जितना भी कोल यहाँ पे है मैं सारा माइन करके मिलता हूँ। तो गाइस मैंने सारा कोल कलेक्ट कर लिया है, अब चलो आगे देखते हैं यहाँ पे इस गुफा में और क्या क्या है। ये गुफा तो पहुंच गया है अभी यार, चोट लगा ऊपर एक स्केलेटन। ये देखो हमला। तो गाइस चलो एक से आप पंगा लेने का मतलब है आ गया था। बक बक अरे यार दो दो थे। चलो गाइस वापस से मैं वहां जाकर मिलता हूँ। हाँ अब इसी की कमी थी। अरे यार एक और नहीं, भागो। अब जॉम्बी के चलने की भी आवाज आने लगी। अरे फिर से मर गया। तलवार मेन तो मेरा स्वॉर्ड है, मिल जाए। कहाँ पे गिरा है मेरा? अरे ले मनु तू भी आकर फट। अरे यार मेरा सारा सामान किस साइड गिरा है? अरे मैं तैयारी भी नहीं कर पा रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए, पहले मुझे अपना सारा सामान चाहिए होगा। एक बार मेरा गिरा हुआ सारा सामान मिल जाए मुझे, उसे भूल गया कहाँ पर मेरा सामान गिरा था। तलवार का तो पता चल गया। मैं वो लेके पहले अपने बेड के पास पहुंचता हूँ। अरे
कुछ आयरन ऊपर भी थे। सो गाइस भाई ने सारा सामान लेके मैं जैसे तैसे बच बच के आया हूँ। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्या क्या यहाँ पे नहीं हुआ मेरे साथ। बताओ फिलहाल तो ऊपर जाके ऊपर भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे जितना भी आयरन मिला था वो कलेक्ट करने दो। ये मनहूस यहाँ पे एक बार और जरूर टपकेगा ताकि मुझे टपका दे। कॉपर भी ले लेता हूँ कुछ। इसे टेलीस्कोप बना पाएंगे। इतना काफी। अब मुझे बस यहाँ से जितने भी आयरन है सारे कलेक्ट करने। आई थिंक यहाँ पर मैंने एक मनहूस को देखा है। वेल गाइस जल्दी जल्दी आयरन कलेक्ट करता हूँ। और हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक भी पार्ट मिस नहीं करूँगा। पहले थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के आपको दिखा दूंगा लेकिन सारी चीज़ें दिखाऊंगा जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। टाइम में थोड़ी बोरिंग हो जाएगी उससे वीडियो पर फिर भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे और भी कॉल है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ना मुझे अपने बेड के पास जाना होगा ताकि मैं जाके सो सकूं क्योंकि मैं 3 बार मर चुका हूँ। समझ ही सकते हो कितना खतरनाक है ये गेम। मतलब खतरनाक नहीं ये क्या कर दिया। चलो अब अपना बेड ढूंढते कहाँ ये रहा यही ढूंढते। चलो सो जाओ। गाइस बहुत तकलीफ हुआ मुझे। बस ओ वहाँ पे भी आयरन। हाँ तो ऊपर जाना होगा। मैं टॉर्च का यूज करता हूँ। तो गाइस हमें टोटल 15 आयरन मिल चुका है। अभी तो और चाहिए होगा क्योंकि यहाँ अगर मुझे माइनिंग करनी है तो मुझे आर्मर पहनना पड़ेगा और शील्ड भी लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग भी काफ़ी कभार बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे। और आई होप वो देखो यहाँ पे दो दो मनहूस है यार क्या करूँ। वाह हमला भी चालू। ओके यहाँ पे आयरन भी है। हमला नहीं कर रहे। अच्छा वो लोग नीचे है। ये देखो नीचे गिर गए। चलो ठीक है नीचे मैं भी जा सकता हूँ पानी है और नीचे आयरन भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ बेड लेके और नीचे जाता हूँ पर पहले यहाँ का आयरन तोड़ लेता हूँ। तोड़ दिया। यहाँ पे मेरा बेड यहीं पे होना चाहिए। अरे भाई अच्छा सामने भी आयरन। यहाँ तो आयरन आयरन बहुत सारे हैं लेकिन रियली आयरन सर्किट पे ही मिल जाएंगे ये इतना होप नहीं था।
खतरा तो बहुत है भाई, पर क्या करूं, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा तो लेना ही पड़ेगा। चलो आयरन के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ, मेरा बहुत ही गला खराब है, इस वजह से मैं वैसे नहीं मजाक कर पा रहा हूँ जैसे डेली मजाक किया करता हूँ आप लोगों के साथ। सो प्लीज एक बार फिर से अपने दोस्त को माफ करना। बट हाँ, अगले वीडियो से मैं बिल्कुल वैसे ही पुराने तरीके से जोक्स मारूंगा, जैसे मैंने एक बार भी जोक मारा नहीं, तो फिर भी ऐसे ही मस्ती करके खेलूंगा ताकि आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आए। आई नो आज की वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट फिर भी मैं क्या करने वाला था मैं भूल गया हूँ। हाँ याद आया, मैं बेड लेकर नीचे जाने वाला था। वहां से नहीं जाऊंगा, उस साइड पानी था, पानी की तरफ से जाऊंगा ताकि कूदते ही पहले सबसे पहला काम मैं बेड लगाने का करूं। ओए कोई धप्पा मत करना, लो आ गया धप्पा करने वाला। आ जा आ जा, नहीं 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 आ जा। तुझे तो बेड से दूर ले जाकर मारूंगा, आ जा। यहाँ पे बहुत सारे लोम्बी है यार। अरे बाप रे, बच्चा ये तो अच्छी बात है कि मेरा सारा सामान इधर पे ही रहेगा। हाँ भाई सब लोग मिलकर बैंड बजाएंगे। पानी के कम नहीं करूंगा, अरे ऊपर चढ़, ऊपर है मेरा सामान। अरे फिर से ऊपर से मार रहे हैं। क्या भाई, मतलब ऊपर से मार रहे हैं। साथ में ये देख रहे हो कहाँ कहाँ मेरे तीर लगा है, भेजे में भी तीर मार दिए। तलवार मेरे राइट वाले हैंड में होना चाहिए अभी। ये वाला भी हमको चाहिए, अभी इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि हम यहाँ पे अभी माइनिंग करके पहले निकलने वाले हैं। तो भाई बस 1 मिनट लो। और नीचे जाने के लिए तैयार। लेकिन ये लोग मेरा सामान भी तो ले सकते हैं। अरे यार ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ये। अरे मेरा तलवार भी नहीं दिख रहा मुझे।
मार दो सालो, मत छोड़ो जिंदा। भगवान, अभी मनहूस क्रीपर कहाँ से आ गया? नहीं 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 अबे पीछे से भी क्रीपर। कैसे कैसे बचा हूँ यार? अब रुको, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल, एक आयरन का टूल बनाना ही पड़ेगा। आयरन का पूरा सेटअप बन सकता है उसके लिए। अरे यार, मेरे पास कॉबल स्टोन भी नहीं है ज्यादा। यार मैं कॉबल स्टोन तोड़ के कहाँ पे गिरा होगा वो भी नहीं पता मेरे को। अरे यार, एक की कमी हो गई। देखो यहाँ पे सारे आयरन को रखो यहाँ पे। अब थोड़ा देर वेट करो, वेट करने से अच्छा है जाके सो लो। देख रहे हो कितनी बार मरा हूँ? 1 2 3 4 5 6, बहुत बार मरा हूँ। अब ऊपर ही जाऊंगा दोस्तों, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। सामान भी नहीं है मुझे कलेक्ट करना, कुछ नहीं कलेक्ट करना। तो गाइस फाइनली मैं इस जगह पे आ गया हूँ, और ये रहा मेरा सारा आयरन। अब मैं फाइनली यहाँ से निकलने वाला हूँ, थोड़ा बहुत और आयरन कलेक्ट कर लूँगा तब। पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं वो बनाने वाला हूँ। मेरी आयरन की, ओए आयरन का पिकअप्स भी था मेरा। सारा सामान भी मतलब अभी नहीं मिला, कुछ सामान यहाँ गिरा है।
अब जाकर आई थिंक मेरा सारा सामान मिल गया, और भी नहीं। छोड़ो मुझे यहाँ आना नहीं था। छोड़ो आयरन पिकअप फिर से भी मिल सकता है। देखो बंदरमैन, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे मत नुकसान पहुंचाना। मैं बस यहाँ पे अपना आयरन लेने आया हूँ और भाग जाऊंगा फिर। सत्य, अब एक जगह पर बैठा था, कहाँ पे था यार वो बैठ, पहले ये रहा। इसे टूटेगा तो मिल गया, थैंक गॉड। और भी नीचे है गोल्ड, देखो ना सिर्फ गोल्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ और भी है। क्या था वो? वो आइडिया पर कुछ होता। खैर छोड़ो, निकलो यहाँ से। ओ आयरन, ये तो चाहिए ही। गोल्ड तो अभी माइन नहीं कर सकता, मेरा आयरन का पिकअक्स ही खो गया। अरे ऊपर चल, और क्या बचा था यहाँ पर? एक ये था, लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता ना, मैं इसको नहीं कर सकता मैं इस समय। इसके लिए मुझे गोल्ड का पिकेक्स, सॉरी आयरन का पिकेक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन इनफ आयरन अभी नहीं है मेरे पास, और मेरा सारा रेड स्टोन भी चला गया। ओ गॉड, मैंने रेड स्टोन भी माइन किया था, ये सारा कुछ गायब हो गया। पता नहीं बाकी का सामान मेरा कहाँ चला गया। मेरा गोल्ड, गोल्ड तो है, बहुत सारा सामान गायब हुआ है मेरा। हाँ मैं इधर भी मरा था एक बार, लेकिन इधर पे भी मेरा सामान नहीं है, शायद ऊपर पर ऊपर खतरा भी है। तो एक काम करता हूँ, अगर खतरा है तो मैं बेड यहीं पे लगा लेता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर अपना सामान ढूंढना है, बेड, यहाँ पे भी आयरन है। काम करता हूँ, सामान छोड़ देता हूँ। मेरा पिकेक्स भी सारा गायब हो गया, बस एक ही बचा है। यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे कुछ तो है, मतलब मैं समुद्र में हूँ। बाकी चीज वही छोड़ देता हूँ।
वैसे कबड्डी तो छोड़ा है गाइस, बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिलहाल पहले मुझे अपने विलेज तक पहुँचने दो यार। बहुत ही खतरनाक माइनिंग हुई है आज। सामान तो उतना भी ज़्यादा नहीं मिला है बट मिला है, और माइनिंग अभी और कंटिन्यू हुआ भाई साहब। मेरा आज का दिन ही खराब है यार, क्यों मैं आज रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। बस एक हार्ट है, जरा सा भी मैं उफ किया और मैं टपक ही जाऊंगा भाई। मेरे को रिस्क नहीं लेना, जल्दी से विलेज में भाग ले बेटे। खाना भी नहीं है मेरे पास, वो भी सारा गायब हो गया। इतना सारा खाना था मेरे पास, अरे खाना है लेकिन बाकी का हे बेल गायब हो गया। ओ फो रे यार, हे विलेजर, बहुत ही मनहूस सीन है यार मेरा ये। अब कहीं पे मुझे एक चेस लगाना होगा। मेरा वुड, इतना सारा वुड था, ये भी गायब हो गया। आज के लिए तो दिल से सॉरी। अरे यार क्रिएटिव में क्यों जा रहा हूँ, सॉरी यार गलती से क्रिएटिव में आ गया, लेकिन मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आई होप क्या आज तो कन्फर्म हूँ कि मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बिन आवाज़ की वीडियो है। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ एक बार फिर से सॉरी, आज बहुत ज़्यादा गला खराब है मेरा, आवाज़ से भी पता लग सकता है तुम्हें कि कितना गला खराब है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बीमार होके भी वीडियो बना रहा हूँ, और कल और परसों ये 2 दिन बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आने वाली है। सो प्लीज़ देखना मत भूलना। थैंक यू गाइस, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरे 11 सब्सक्राइबर हुए, आई होप 1-2 सप्ताह में ये 20 तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए।